ये देखो दीदी कितनी अच्छी है ना, तुम खाओ ना दीदी। चल दीपो यहाँ से चलते हैं। अभी से? पिकनिक तो शाम को खत्म होगी। क्या करेंगे पिकनिक में, चल मेरा मन नहीं लग रहा। तुम इमली तो खाओ, मन ठीक हो जाएगा। वो देखो दीदी एक साथ चार बड़ी बड़ी इमलियां लटक रही है। मैंने कितना मारा लेकिन एक भी नहीं लगा। तुम मारो ना दीदी। चलो वो देखो दो और लटक रही है। बंबई में मीरा जी से मिले हो विनोद? गीता की बड़ी बहन लगती हैं। हाँ आप ही के साथ तो गया था एक बार। मीरा जी बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी हैं, कहती हैं क्यों ना मैं गीता से शादी कर लूं। आखिर मैंने कह दिया, बिना लड़की देखे मैं कुछ कह नहीं सकता, शादी का मामला ठहरा, इसीलिए यहाँ आया हूँ गीता को देखने। अरे देखो विनोद दाल गल गई होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है विनोद, गीता से शादी कर लूं? जी मैं क्या बताऊं, आज इसी पिकनिक पे फैसला करना है, तुम्हारी राय क्या है? जी ये तो अपना अपना निजी मामला है सर, मैं। अच्छा अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? शादी मुबारक हो आपको सर। थैंक यू विनोद, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं आपकी जगह होता तो किसी से राय पूछकर किसी के प्यार को ठेस न पहुंचाता। तो मैंने तो किसी को वैसे, गीता जैसी अच्छी लड़की के बारे में किसी से राय पूछने की क्या जरूरत है? मैं आपकी जगह होता तो बिना झिझक शादी कर लेता। विनोद आज तुमने मेरे इरादे को और भी पक्का कर दिया, हमारी शादी में तुम मेरे खास आदमी हो गए, माय बेस्ट मैन, और शादी की जितनी तैयारियां हैं तुम करोगे। बहुत तारीफ कर रहे थे अपने खाने की, दाल में तो नमक देना भूल गए, सब्जी में टमाटर गायब, और टोस्ट तो कुछ सीखे नहीं। और किसी दिन खिलाऊंगा सर, आज कुछ गड़बड़ हो गई। और दीदी ने तो कुछ खाया ही नहीं। चल दीपू चलते हैं। अभी से? अभी तो कुछ देखा ही नहीं। क्यों भाई और कहाँ कहाँ घूमोगे? वो टीला जहाँ से पूरा मधुपुर दिखाई देता है, और वो भूलभुलैया वहाँ बहुत पेड़ है, और भूलभुलैया खेलने में बहुत मजा आता है, चलो ना। अभी पकाते हैं दीपू। बाकी कहाँ जाओगे, अभी पकड़ते हैं। पकड़ा। मुझे क्या गलती से इंजीनियर समझ लिया था? मुझे माफ करना गीता, मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती? तुम्हारे माता पिता से भी माफी मांग लूंगा, उन्हें भी क्या पता था कि मैं एक मामूली सा ओवरसियर हूं। फिर थोड़े ही दिनों का तो साथ रहा हम दोनों का, चंद दिनों की गलत फहमियां कोई अहमियत नहीं रखती गीता। हम तुम आसानी से सब कुछ भूल सकते हैं, जैसे कभी मिले ही नहीं। और यकीन मानना गीता, मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है कि आज तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा नेक, अच्छा और समझदार जीवन साथी मिल रहा है। अभी पकड़ो। अभी पकड़ते हैं दीपू। दीपू पकड़ो। पकड़ लिया। बस बस अभी नहीं। सुनिए अब बताइए क्या जवाब है आपका। मैं जानता हूं कि जवाब हाँ ही है, फिर भी एक बार आपके मुंह से सुन लेना चाहता हूं। हाँ
लगता है कि आपसे कहानी जा रहा है और खामोशी का मतलब तो हाँ है ही। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, आज रात ही मीरा जी को चिट्ठी लिख देता हूँ। विनोद भी यही चाहता है, कह रहा था कि इतनी अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। गाओ ना विनोद, जाते वक्त कैसा गा रहे थे? हाँ विनोद भैया, गाना। दिल में तूफान उठा है, होठों पे नगमा, आंखों में आंसू खुशी के। ओ, दिल में तूफान उठा है, होठों पे नगमा, आंखों में आंसू खुशी के। अपनों के पास पहुंच के अपनों से दूरी, ऐसा ना हो संग किसी के। ओ, कोई कहे ना मंजिल मुझको, क्यों कोई कहे ना मंजिल मुझको। मिली आज तक नहीं मिली, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। मेरी तरफ से तो हाँ ही समझे मिस्टर चौधरी, बाकी जो कुछ भी करना है मीरा जी संभाल लेंगी। मीरा को चिट्ठी लिख दूं मैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी एक चिट्ठी डाल देता हूँ। वैसे 15 मार्च शादी की एक तारीख हमने निकाल। हाँ ठीक है ठीक है, ना हो तो वो सब मीरा जी से सलाह कर दीजिए। अच्छा शादी फिर 15 मार्च की ही रही, पंडित जी को बुलाकर जल्दी से सगाई की एक तारीख तय कर लेते हैं, ये तुम्हें बता देंगे। ठीक है ना? जैसा आप ठीक समझे। तेरे भाग खुल गए बेटी, सुनील शादी करने को राजी हो गया, पता नहीं कैसे सब काम निपटेंगे इतने थोड़े दिनों में। अरे हाँ एक गुलदस्ता, अच्छा रहने दे, और ये किसकी चिट्ठी है माँ? तेरी गीता मौसी की शादी पक्की हो गई है हमारे सुनील के साथ, परसों हम लोग सब मधुपुर चलेंगे, उन दोनों की सगाई है। हाँ हाँ। अरे हम क्या तेरे दुश्मन हैं जो समझ रही है तुझे कुएं में ढकेल रहे हैं? ऐसा रिश्ता तो तेरी दोनों बहनों का भी नहीं हुआ। नादान न बन, है तैयार हो जा, जा सगाई की रस्म में सिर्फ एक घंटा ही तो बाकी है, जा। नहीं। जा बेटी, जी छोटा नहीं करते, भगवान सब अच्छे के लिए ही करता है, जा कपड़े बदल ले तैयार हो जा, जा, जा। हाँ। लेकिन विनोद इतना कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम ही जाओ, मैं किसी और को भेज सकता हूँ, रामन जा सकता है। नहीं सर, आप तो जानते हैं कि मीटिंग बहुत जरूरी है और जब आप नहीं जा रहे तो मुझे तो जाना ही चाहिए, और फिर सिर्फ हफ्ते भर की ही तो बात है। विनोद आज मेरी और गीता की सगाई है, अगर तुम रहोगे तो हम सबको कितनी खुशी होगी, और फिर तुम क्या सिर्फ मेरे जूनियर ही हो और कुछ नहीं? नहीं ये बात नहीं है सर, आप तो मेरे सब कुछ हैं, न सिर्फ मेरे चीफ हैं बल्कि मेरे माता पिता, मेरे गार्डियन, सब कुछ आप ही तो हैं। सर आपकी शादी में देखिएगा मैं क्या करता हूँ, वो सब जिम्मा मेरा है, लेकिन आज मुझे जाने दीजिए सर। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। आइए चौधरी जी। ये क्या हो रहा है? विनोद जा रहा है आज। जा रहा है? चल दीपू। कहाँ जा रही है? स्टेशन।
आज कहीं बाहर नहीं जाते बेटी, आज तेरी सगाई है। मुझे मालूम है माँ, लेकिन विनोद जा रहा है। चाहता है तो जाने दे, हमें क्या इससे। नहीं माँ, तुम्हारी छोटी बेटी की शादी विनोद से ही होगी। किसने कहा? मैंने फैसला कर लिया है। क्या पागल न बन गीता, कहा सुनील और कहा विनोद, एक मामूली सा ओवरसीयर। मैं कोई खिलौना नहीं दीदी, जो जैसे चाहे मुझसे खेले। ये तेरी शादी का मामला है, कहीं तुझे जिंदगी पर पछताना ना पड़े। भगवान की यही मर्जी थी, नहीं तो उस दिन सुनील के जगह विनोद नहीं आता। तो क्या हुआ? जो होना था वो हो चुका। अरे ये कहाँ गए? ऐसा नहीं करते गीता, इसमें हमारी बहुत बदनामी होगी, सुनील क्या सोचेगा। चल दीपू। दीपू चल। चाचा जी और सुनील बाबू ने रोक लिया, जाने ही नहीं दिया। हम कौन होते हैं रोकने वाले बेटा, भगवान की यही मर्जी थी। क्यों? मैंने भी नहीं रोका तुम्हें विनोद, अगर किसी ने रोका है तो गीता ने। तुमने तो हार मान ली थी, लेकिन गीता की दृढ़ता का आत्मविश्वास और उसकी सच्ची लगन ने यह बाजी जीत ली। तुम्हें गीता जैसी जीवन साथी की जरूरत है।
अरे बस बस बस, अरे पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी बोलिए, पंडित जी क्या करना है? मैं ही विनोद का चीफ, माता पिता गार्डियन सब कुछ हूँ।